गाइस आप लोगों का एक कमेंट आया था कि लाफिंग गैस जो कि इन सिलेंडर्स के अंदर है, इसको अपनी सांस के अंदर लेने से हंसी आती है और जोनोचिप जो है वो गाइस इंसान को रुला देती है। तो अगर इन लोगों को इस लाफिंग गैस के साथ में जोनोचिप खिला दी जाए तो क्या ये लोग हंसेंगे या फिर ये रोएंगे? तो आज यही चीज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, लाफिंग गैस विद जोनोचिप इन लोगों के साथ में, और मैं खुद भी ट्राई करने वाला हूं। तो फटाफट से शुरू करते हैं, आइए देखते हैं मजा आएगा। और ये जो कमेंट है गाइस, इस पे हम लोग ये वाली वीडियो बना रहे हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप ऐसा मत सोचा कीजिए कि आपकी कमेंट को कोई देखता नहीं है। गाइस सब लोग नीचे कमेंट्स में अपने आइडिया जरूर से रखा कीजिए। फटाफट शुरू करते हैं, सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। गाइस यहाँ पर ये जो आपको सिलेंडर्स दिख रहे हैं, इनके अंदर है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है N2O, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर दो नाइट्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है, जिससे ये गैस बनती है। ये जो गैस है गाइस, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये बहुत खतरनाक भी हो सकती है। ये मेडिकल यूजेस में आती है, जिसको पेन कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बेहोशी भी कर सकती है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी ले ली जाए गलती से तो इंसान की जान भी जा सकती है, इसलिए प्लीज़ ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना। लेकिन जब इस गैस को लिया जाता है, जब इस ये गैस हमारे फेफड़ों में पहुंचती है, जब इसको मेडिकली दिया जाता है, तो ये थोड़ा सा इंसान को स्लो कर देती है, एक नशे की हालत में ले आती है, और साथ ही साथ में हंसी भी आने लगती है पेशेंट को कई बार कोई रोने लग गया तो बहुत ज़्यादा रोने भी लग जाता है। तो कुछ ऐसे इफेक्ट्स इसके होते हैं, और गाइस ये सारा का सारा केमिकल का कमाल होता है। तो यहाँ पर इस गैस के सिलेंडर को मैं पंक्चर करूँगा और इसकी जो गैस है उसको इन बलून्स के अंदर कलेक्ट करूँगा। पहले मैं खुद इनहेल करूँगा, फिर उसके बाद मैं देखूंगा अपने ऊपर क्या इफेक्ट होता है, उसके बाद मैं गाइस जोनोचिप खा जाऊंगा, फिर देखता कि मैं हंसता हूँ या रोता हूँ या क्या होता है। उसके बाद में इन सारे लोगों पे ट्राई करेंगे गाइस, बहुत सारा मजा आने वाला है जरूर से इस चीज़ के अंदर। लेकिन आप प्लीज़ ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, ये डेंजरस होता है गाइस, ठीक है। एक सुई ले रहा हूँ गाइस, और इस सुई से जो है इसको पंक्चर कर दूंगा। लगा। तो गाइस अब इस बलून के अंदर जो गैस है वो आ रही है, ठंडी हो रही है ये। तो गाइस फिलहाल इस बलून के अंदर है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि लाफिंग गैस, और मैं इसको लेता हूँ अंदर। ये जो गैस है गाइस, ये एक ऑडरलेस गैस है, यार इसमें कोई स्मेल नहीं आती और कोई टेस्ट नहीं आता, यानी कि नॉर्मल हवा की तरह ही लगती है। गई अंदर। अभी तो गई। कैसा फील हो रहा है? आवाज बदल गई मेरी। अभी तो कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा टाइम लगेगा यार। देख रहे हैं, मजा आ रहा है। नहीं यार, ये आएगी तो आएगी यार। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आएगी तो मैं अपने आप बता दूंगा। गाइस मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइस थोड़ी सी और लाफिंग गैस ले रहा हूँ अभी। क्या कर रहे हैं यार तू? क्योंकि मेरी हंसी आई थी पर रुक गई वो। कब आएगी? क्यों हंस रहे हो? रुक जा। गाइस ये है दुनिया, ये है दुनिया की सबसे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। स्टिकी चिप्स गाइस। ओ पागल हूँ। चलो चिप को खा के हंसने वाला पहला इंसान। रोची में मिर्च नहीं लग रही है। अरे यार कुछ दे दो। अरे ना, अरे भाई कुछ भी दे दो यार भाई।
भाई बहुत तेज जलन हो रही है। मेरे होंठ जल रहे हैं। अरे मेरे होंठ जल रहे हैं यार। ओ भाई ओ भाई ओ सारा सा तो उतर गया लाफिंग एस का। भाई बहुत भयंकर चल रहा है। हाँ पूरा गले में जलन रखी है। जोर से जीती है फिर वो लाफिंग एस। हो क्या रहा है? अरे हमें ये बताओ क्या हो रहा है? हो नहीं चल रहे क्या? गला नहीं चल रहा? अब थोड़ा सा रिलैक्स है गाइस। क्या हो रहा है बताओ? सांस लेने के बाद है। क्या है ये बताओ पहले। हम कंफ्यूज हैं। अरे जलन हो रही है बहुत तेज भाई। इतना भयंकर जलन हो रही है होंठ पे मुंह में और गले में। मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा सही बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं हंसूं। मैं हंसूंगा। मैं भी हंसूंगा। एक दिन तुम रोओगे और मैं हंसूंगा। मीठा है गाइस। अब मैं बताता हूँ गाइस क्या हुआ। लगभग 8-9 मिनटों में जो भी इंसिडेंट हुआ मैं बहुत कंट्रोल किया कि मैं ना हंसूं। फिर मेरे को हंसी आई। मैं जोलचिप खा ली। शुरू में जोलचिप खाने के बाद में मुझे कोई कुछ फील ही नहीं हो रहा था। मुंह में कुछ फील नहीं हो रहा था। लगभग 10-15 सेकंड तक बस हंसी आ रही थी मुझे। उसके बाद भाई जलन शुरू हुई। कंटिन्यू जलन ही हो रही थी। हंसने कोई लॉजिक ही नहीं बनता। फिर भी हंसी निकल रही है क्योंकि वो तो अंदर से आ ही रही है हंसी। मैं कोई हंस थोड़ी रहा हूँ। वो तो ऑटोमेटिक निकल रही है। मुझे भी पता है कि मैं मुझे नहीं हंसना चाहिए और जलन जो दर्द भी कर रही है फिर भी हंसी आ रही है। मैं गिर रहा हूँ कि दर्द खत्म हो रहा है लेकिन हंसते हंसते कर रहा हूँ गाइस। तो मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा एक्सपीरियंस होगा। अब इन लोगों की बारी है। अब मुझे जो लाफिंग गैस है उसका असर गाइस थोड़ा सा कम हो चुका है और अभी भी हल्का हल्का दिमाग में वो है लेकिन अब मुझे उतनी हंसी नहीं आ रही है भाई। अब मेरे थोड़ा सा असर कम हो गया है। ले जल्दी लगा फटाफट तो फटाफट अगला लगा। तो गाइस इनमें जो है लाफिंग गैस है और इन लोगों को जो है स्टार्ट कराते हैं। लो भाई लो चारों लोग पी जाओ। अगर मैं ना लूं तो थोड़ा ना लूं तो छोड़ना चाहता हूं ये अभी। क्यों? अरे वो जोल चिप डर लगता है मुझे। कोई बात नहीं इससे तो हंसी आएगी मजा आएगा। ले ढंग से लो अंदर तक पूरा फेफड़ों में। तू तो ऐसे करते ही पीना नहीं होता सूंघना होता है। मतलब अंदर सांस के साथ इसको इनहेल करना होता है बेसिकली इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। ले ले करता और थोड़ा रोक के रखो 2-3 सेकंड अंदर खींचने के बाद। अंदर ले रोक के रखे तो भाई जिन सारे लोगों ने ले ली है यहाँ पे लाफिंग गैस। अब देखते हैं कि किस पे सबसे पहले असर होता है। तो गाइस ये लोग यहाँ पर हंसना शुरू कर चुके हैं। अब इनको फटाक से चलो ओए चलो जी खोलो अपनी अपनी। गाइस इनको असर हो चुका है। सारे लोग हंस रहे हैं यहाँ पे और मैं मौके का फायदा उठा लेता हूँ गाइस। इनको चलो जी खिला देता हूँ। अरे टुकड़ा ही काफी रहेगा इनके लिए। तो आ करा कड़ा 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 आ आ आ करा। गाइस सारे लोगों मैंने जोलो चिप खिला दी अभी और लाफिंग गैस ने ले ही रखी है और ये जो एक एक कोने में जाके हंस रहे अपनी अपनी जोलो चिप के साथ। भाई सूख दियो क्या हो गया इसको? क्या हो गया? मेरे को तो लगता है उसके किडनी में हार्ट अटैक हो गया होगा। गाइस आपने कभी देखा है कि जोलो चिप खा के कोई हंस रहा है? ये देखो गाइस तेरे को दर्द हो रहा है या हंसी आ रही है? क्या हो गया वहां? क्या हो गया? गाइस जोलो चिप खाने के बाद इंसान ऐसा दिखता है। क्या हो गया? अरे बोल तो सही मुंह से तो कुछ। क्या हो गया बता सही? क्या जल गया? क्या जल गया बता सही। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या जल गई? गाइस इसकी होंठ जल गई और होंठ जलने के बाद कैसे हंस रहा है देखो। तेरी क्या जल गई? जीभ जल गई। इसकी जीभ जल गई गाइस। तेरी क्या जल गई? क्या जल गई तेरी? बता सही क्या जल गई बता। मैं नहीं बताऊंगा। क्या जल गई भाई?
और गाइस कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि जब मैंने जो लची खाई थी तो भाई पूरा जलन हो रही है गले में, होठ में, और हंसी आ रही है अंदर से, रोक भी नहीं पा रहे उसको, जलन हो रही है, दर्द हो रही है, लेकिन हंसना है क्योंकि हमारी बॉडी हमको हंसा रही है, हमारा माइंड हमको हंसा रहा है। तो गाइस कुछ ऐसा होता है जब दोनों चीजों को कंबाइन किया जाता है, तो मुझे नहीं लगा था कि ऐसा होगा, मुझे लग रहा था कि जैसे ही जोल चिप जाएगी ना तो असर उड़ जाएगा पिछला वाला, लेकिन वो असर उड़ता नहीं है गाइस। और ये बात मैं ऑथेंटिक तरीके से बोल रहा हूँ हमारी टेस्टिंग में, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज कोई भी चीज को ट्राई मत करना, ये एक्सपेरिमेंट खतरनाक है, लेकिन ऐसा होता है कि हम हंसी को नहीं रोक पाते। अब मुझे नहीं पता इससे ज्यादा अगर दर्द हो तो क्या हालत होगी, लेकिन इसका दर्द भी कम नहीं होता भाई, जोलो सिर्फ हालत खराब कर देती है गले की, मुंह की, होठों की, ये देखो हालत क्या हो रखी है इनकी, और फिर भी हंसना चाह रहा है। मेरी आंख में लग गई है जोलो चिप और मेरे को जलन हो रही है, पता नहीं किसको खिलाते टाइम लग गई। अरे जब तुमको जलन हो रही थी तो तुम हंस क्यों रहे थे? हंस नहीं रहा था, पैर निकल रही थी वो हंसी, इसको देख के बहुत ज्यादा हंसी निकल रही थी मेरी। तुम्हारा सर भारी फील हो रहा है किसी को? सर भारी फील हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। काफी दिनों बाद मिला, अच्छी चीज है, सुबह सुबह पी के एक सिलेंडर निकलो। राम राम जी। भाई कोई लड़ाई हो रही है, कोई लड़ाई हो रही हो ना उनको पिला दो, दो पक्षों में लड़ाई हो रही है, दोनों को एक एक सिलेंडर दे दो, फिर वो कैसे लड़ेगी, अजीब सा रिएक्शन निकलेगा। मजेदार चीज है वैसे, थोड़ी देर के लिए दिमाग को वो कर देती है। और गाइस अब बहुत काफी हद तक ठीक हूँ मैं, बस जलन हो रही है और सर थोड़ा चकरा रहा है, सर ऐसा भारी हो रहा है कि किसी ने मेरे मुक्के मारे हुए हैं सर में, और मेरा खुद का भी मन कर रहा है ऐसे सर में, सर दीवार में सर मारूं मेरा। एक बार उस वीडियो में ली थी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ जोलो चिप के साथ में, मतलब आपको जलन भी होगी और साथ में वो जो अपनी लाफिंग गैस है वो अपना काम करेगी भाई, वो आपको हंसाएगी। अगर आपको कोई भी एक पॉइंट मिलता है, कोई लोग दिखता है, कोई भी कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो आपको अपने आप हंसी आती है अंदर से, और दिमाग को ऐसा लगता है कि मैं क्यों हंस रहा हूँ, फिर भी हंसी आती है। सर जो है वो अभी बिल्कुल सुन्न है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। अच्छा तो गाइज फाइनली सारी चीजें शांत हो चुकी हैं, और जो एक्सपेरिमेंट था वो हम कर चुके हैं गाइज, कि क्या होगा जब लाफिंग गैस के साथ में जोलो चिप खाई जाएगी। और नतीजा कुछ बड़ा ही अजीबोगरीब निकला है, कि इंसान रोता भी है और हंसता भी है, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं, एक साथ दोनों चीज़ें चलती हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं सोचा था पहले, किसी ने नहीं सोचा था। और इन लोगों के साथ भी गाइस सेम वैसा ही हुआ जो कि मेरे साथ हुआ था, उसके बाद में सर थोड़ा सा भारी हो जाता है, जब असर दोनों चीज़ों का कम हो जाता है तो जो N2 अपना असर दिखाती है सर में, और अब हमारा वो वाली चीज़ भी खत्म हो चुकी है। तो गाइस ये सारी चीज़ें जो थी अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन एक बड़ा यूनिक रिजल्ट सामने भी आ चुका है, और इसी के लिए आप सब लोग लाइक का बटन जरूर से दबा देना, आप जो बोलते हैं गाइस हम वो चीज़ करते हैं। अगर और कोई वीडियो बनानी है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।